तो आप लोग ऐसे हो तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी एक स्मार्ट सेलफोन यूज करते हो और आप किसी को फोन करते हो तो फोन पे एक प्रॉब्लम ये आता है, जब भी आप अपने सेलफोन में रिकॉर्डिंग चालू करते हो और रिकॉर्डिंग चालू करते ही आपका एक अनाउंसमेंट आता है कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर लिया है, जो भी आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, जिसके वजह से सामने वालों को पता चल जाता है कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है और जिसके वजह से आप बहुत परेशान हो। मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके बाद अपने सेलफोन में आप कितना भी कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर लो, कोई भी कॉल रिकॉर्ड कर लो, ना एक अनाउंसमेंट होगा और ना किसी को पता चलेगा। तो करना किस तरह है, वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। किसी को भी कॉल करते हो तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आता है और आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि आप कॉल रिकॉर्डिंग चालू करोगे तो सामने वाला पता चलता है। बट आपको करना क्या है, आपको सिंपली उसको स्किप करना है। ओके, आपको यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग चालू करते हैं सामने वाले को मालूम पड़ता है। अब आपको क्या करना है, आपको कॉल सिंपली डिस्कनेक्ट कर देना है। अब आपको आना है आपके सेलफोन के होम स्क्रीन पे, वहाँ से आपको चलना है प्ले स्टोर पे, या आपके एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके भी आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो। आपके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा प्रेफर्ड इंजन, आपको इस तरह का ऑप्शन दिख जाएगा स्पीच सर्विस बाय गूगल, आपको इसको स्किप कर देना। आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है TTSL, ESS का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, आपको बैक आ जाना है और इसका स्पीच रेट जो है उसको कम कर लेना है, पिच को भी कम कर देना है और आपको आ जाना है बैक। उसके बाद आप सिंपली इस एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको ये सेटिंग कर लेना है। ये सेटिंग करने के बाद आप किसी को भी कॉल लगाओगे और कॉल लगाने के जब आप ट्राई करोगे उस कॉल को रिकॉर्डिंग पर डालना तो ना अनाउंसमेंट आएगा ना किसी को पता चलेगा। इस तरीके से आप किसी का भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो बिना पता चले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना।